IVF का बेबीज एब्सोल्युटली नॉर्मल होते हैं, आपके गैमेट से होते हैं, आपके बच्चे होते हैं, हम आपको खाली उसमें मदद कर प्रेगनेंसी कराने में हेल्प करते हैं। सो व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ IVF? किन कपल्स में हमें IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी की ज़रूरत पड़ती है? ऐसे कपल्स जिनके पहले हम काफ़ी ट्रीटमेंट कर चुके हैं, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट कर चुके हैं, या उनकी लैप्रोस्कोपी के ज़रिए और ओव्यूलेशन इंडक्शन के ज़रिए मदद कर चुके हैं, बट फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, या मल्टीपल IUI फेलियर्स हैं, 2-3 बार 4 बार करने के बाद भी IUI से बच्चा नहीं ठहर रहा है, ऐसे कपल्स को हम IVF की सलाह देते हैं। इसी प्रकार कुछ कपल्स होते हैं जिनकी फीमेल्स में ट्यूब्स बंद होती हैं, दोनों नलें ख़राब होती हैं इन्फेक्शन की वजह से, या नलें फैली हुई होती हैं जिससे कि एक यूट्रस तक नहीं पहुंच पाता है, ऐसे केसेस में हम उनकी IVF के ज़रिए मदद कर सकते हैं। इसी प्रकार कुछ मेल फैक्टर्स होते हैं, जैसे माइल्ड मेल फैक्टर, शुक्राणु ठीक होते हैं लेकिन उनकी क्वांटिटी कम होती है, जब स्पर्म की काउंट लेस देन 10 मिलियन होता है तब साधारण ट्रीटमेंट या IUI से उनकी हम मदद नहीं कर पाते हैं, उन्हें IVF का स्पेशलाइज्ड फॉर्म जिसको हम ICSI इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कहते हैं उसकी सलाह देते हैं। सिमिलरली माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस, जिनको माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस लैप्रोस्कोपी में बताया गया है, या जिनके अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, किसी भी कारण हम डॉक्टर नहीं बता पा रहे हैं कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो पा रही है, सारे टेस्ट नॉर्मल हैं लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, ऐसे कपल्स में अगर हम IVF करते हैं तो उनके प्रेगनेंसी होने की संभावना ज़्यादा होती है, बिकॉज हम फर्टिलाइजेशन लैब में कर फिर एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं IVF के? सो अगर हम ये बात करें व्हाट आर द साइड इफ़ेक्ट्स फॉर IVF, IVF इज़ अ वेरी शॉर्ट प्रोसेस, उसमें हम कोई बहुत सर्जिकल प्रोसेस नहीं है, तो IVF के शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कोई लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट्स में अगर हम इंजेक्शन लगाते हैं और किसी को PCO पॉलीसिस्टिक ओवरी की प्रॉब्लम होती है तो उनके एग्स ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं, ओवरीज बड़े साइज की हो जाती हैं, तो उनको ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम होने का डर रहता है। ऐसे कपल्स को हम स्ट्रिक्टली मॉनिटर करते हैं, उनकी डोज को कम कर चलते हैं, और अगर हमें शक होता है कि उनको हाइपरस्टिमुलेशन हो सकता है तो उनके एम्ब्रियोज बनाकर हम फ्रीज कर लेते हैं और नेक्स्ट साइकिल में ट्रांसफ़र करते हैं जब उनकी ओवरीज नॉर्मल साइज़ की आ जाती हैं। सिमिलरली कुछ माइनर साइड इफ़ेक्ट्स IVF के होते हैं, जैसे एग पिकअप के बाद थोड़ा दर्द या दुखन होना, माइल्ड स्पॉटिंग जैसा होना, कुछ पेशेंट्स को इन्फेक्शन हो सकता है बट उसकी संभावना बहुत बहुत कम होती है बिकॉज सारे प्रिकॉशंस लेकर ओसाइड पिकअप करा जाता है। IVF ट्रीटमेंट के बाद अगर प्रेगनेंसी ठहरती है तो वो नॉर्मल प्रेगनेंसी के जैसी होती है, उसमें कोई स्पेसिफिक चीज़ें नहीं होती हैं, सो जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है वैसे ही IVF प्रेगनेंसी में जो शॉर्टफॉल्स हो सकते हैं जैसे अर्ली अबॉर्शंस या बच्चे में बनावटी खराबी होना, ये सारी चीज़ें नॉर्मल प्रेगनेंसी में जितनी होती हैं उतनी ही संभावना IVF प्रेगनेंसी में होती है या मार्जिनली रेज्ड होती है, तो इसके लिए हमें डरना नहीं है और IVF से घबराना नहीं है कि जो बच्चा बन रहा है वो आर्टिफिशियल है। IVF का बेबीज एब्सोल्युटली नॉर्मल होते हैं, आपके गैमेट से होते हैं, आपके बच्चे होते हैं, हम आपको खाली उसमें मदद कर प्रेगनेंसी कराने में हेल्प करते हैं। सो डू नॉट बी स्केयर्ड, इनफर्टिलिटी इज समथिंग विच इज़ ट्रीटेबल, देर आर मल्टीपल ऑप्शंस, डू नॉट बी स्केयर्ड टू गो टू द डॉक्टर, गो एंड डिस्कस योर प्रॉब्लम, वी आर देयर टू हेल्प यू आउट विद फुल कंपैशन एंड केयर, वी विल ट्राई टू डू आर बेस्ट एंड मेक योर ड्रीम कम ट्रू टू बी पेरेंट्स ऑफ अ हेल्दी बेबी। थैंक यू।